कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा सकी, संविधान क्या बचाएगी रामजी गौतम। मतदान से ठीक पहले प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, किसी ने सभा तो किसी ने रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर जनता को अपना जनाधार दिखाने की कोशिश की। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न वर्मा ने आज बैराड़ में जनसभा कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम उपस्थित रहे। रामजी गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भ्रम फैला रही हैं। कांग्रेस कहेगी बहुजन को वोट मत देना, वो नहीं जीत रही, तो वहीं भाजपा कहेगी कांग्रेस को वोट मत देना, वो नहीं जीत रही। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पोहरी से इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़े जनाधार के साथ जीत हासिल कर रही है। इसलिए आप सब लोग व्रत कर ले कि 17 नवंबर को सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद भोजन पोहरी विधानसभा सीट से अराजकता, भ्रष्टाचार और तानाशाह को खत्म कर एक सेवक के रूप में प्रद्युम्न वर्मा को अपना आशीर्वाद प्रदान करना है। वहीं पोहरी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न वर्मा ने कहा कि आप लोगों से मिले प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से मैं आश्वस्त हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने तो सब कुछ जनता पर छोड़ दिया और जनता अपना अच्छा बुरा भली भांति जानती है। मेरा चुनाव मैं नहीं बल्कि पोहरी की जनता लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो परिणाम सकारात्मक ही मिलते हैं। मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दे दो। मैं अपने जीवन का एक एक पल, रक्त का एक एक कण पोहरी की जनता की सेवा में समर्पित कर दूंगा। जनसभा में 15,000 की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और वहां पर एक भी स्कूल नहीं, एक भी स्थान नहीं, कैसे आदिवासी बात को रख रहे हो? इसीलिए इस बार आप सब लोग जो उत्तर प्रदेश में माने पहले काम किए हैं, वो सारे काम मध्य प्रदेश के अंदर भी होंगे, लेकिन आपको बीएसपी की सरकार बनानी पड़ेगी। आपको यहाँ से प्रद्युम्न वर्मा जी को भारी मतों से जिता कर भी मिलना पड़ेगा। जब आप इनको 20-25 हजार वोट जिताएंगे तब तो बात बनेगी। अगर आप इनको सोचिए कि 100-200 वोट जिताएंगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत प्राइवेट गलती होती है, पता क्या करते हैं वो लोग, मानते कि नहीं मानते, पता कौन सा मशीन में खड़का घुमा दे वो लोग। हो सकता है भाई 100-200 वोट है, मशीन घुमा दिया, आज 200-200 वोट कम हो गए आपके, इसलिए 100-200 के चक्कर में नहीं पड़ना है, 20-25 हजार वोटों से जीता करते हैं। लेकिन हमारे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जनता का सर्कुलर डैम कितने लोगों ने उद्घाटन कर दिया पर आज तक मूर्त रूप में वो डैम नहीं बन पाया। कुछ लोग तो ये भी बोल दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर डैम नहीं बना तो। अब ये आप लोगों को सोचना है कि किसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस आपके युवा बेटे को, भाई को आप आशीर्वाद दें। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ताउम्र जिस प्रेम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं वही प्रेम से मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। बस आप सब लोगों का ये असीम प्रेम मेरे पे यही बनाए रखे।